ऐसा ख्याल तो रख लेना तुम्हारा। जी उस दिन जब तुमने अपनी कहानी सुनाई तो ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म या सीरीज की कहानी। सोचो, लोगों को लगता होगा कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि सच तो यह है कि असल जिंदगी में जो जो कहानियां होती हैं कि इंसान हैरान और परेशान रहता है। सर, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपके साथ क्या हुआ था? मैं भी तुम्हारी तरह एक यंग और एंटरप्राइजिंग लड़का, फुल ऑफ ड्रीम्स, फुल ऑफ पैशन, मामू के साथ स्टॉक एक्सचेंज जाया करता था, काम सीखा, ऊपर आया, खूब तरक्की की, फिर एक दिन अपनी फर्म खोली खुद की। 350 बंदा काम करता था मेरी कंपनी में। बिजनेस वॉज गुड, इट वॉज बूमिंग, अंटिल जस्ट वन डे, जिस दिन सादा लिबास में कुछ लोग मेरे ऑफिस आए और ट्रेड की। यू नो हाउ इट गोज, व्हेन यू डीलिंग इन मिलियंस एंड बिलियंस, यू प्रोन टू मेक मिस्टेक्स, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, लेकिन उस वक्त लोग ये याद नहीं रखते कि आपकी तरक्की से कितने लोगों का फायदा हुआ, कितनी लोगों की नौकरियां लगी, लोग कहां से कहां पहुंच गए। बस जब बंदा गिरता है ना, तो फिर पूरी तरह सही गिर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने गलती नहीं की, बस मैंने जान के कुछ गलत नहीं किया। वैसे भी मेरे बिजनेस के डायनामिक्स ही कुछ ऐसे हैं कि पता ही नहीं चलता कि उन 350 लोगों में से किसी एक या दो ने बॉर्डर इलीगल हरकत की है, एंड द कंपनी गोज डाउन एंटायरली, और बाकी काम आपके दुश्मन कर देते हैं। लेकिन सर, जेल, सरमाया जितना बड़ा होता है ना, पनिशमेंट भी उसी हिसाब से मिलती है। लेकिन कोई पेनल्टी लगा के मॉनिटर कर लेते, मतलब करने का तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। बट ज्यादा टाइम नहीं है मुझे यहां पे, एंड फ्रेंकली आई डोंट इवन माइंड, इतना बुरा वक्त नहीं गुजरा यहां, और शायद मुझे इस करेक्शन की जरूरत भी थी। वैसे भी पूरा दिन काम, घर पे भी हर वक्त फोन पे लगे रहना, फैमिली लाइफ भी बस ऐसी थी। इवन जब हम सोशलाइज करते थे तो उसमें भी ज्यादातर लोग वर्क रिलेटेड ही होते थे। बट आई हैव नो रिग्रेट्स एक्सेप्ट फॉर, मेरी फैमिली भी समझती है कि आई एम अ क्रिमिनल। 12 साल की एक बेटी है मेरी, हम जा नहीं पाया उसे के सब क्या, हम शायद एक दिन समझा पाए। आई एम सॉरी सर। नहीं नहीं सॉरी की क्या बात भाई, अपने किए की सजा ही मिल रही है मुझे, और मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, जो मैंने अपनी फैमिली के साथ किया है ना, उसकी सजा काट रहा हूं।